तो नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। इंदौर टॉक की टीम इस वक्त आ चुकी है शिप्रा नदी के उस पुल पर जो कि इंदौर और देवास के बीच में पड़ता है। हालत जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कितनी दयनीय हो चुकी है। जिस गणपति बप्पा को 10 दिन हमने खूब पूजा अर्चना करी, खूब उनको सरासर आंखों बिठाया, लेकिन वहीं 11वें दिन उनके विसर्जन की जब तो हम देख सकते हैं विसर्जन के बाद जो पूजन सामग्री या साथ में जो अन्य सामग्री किस तरीके से पूरे पुल पर फैली हुई है। तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट के सहयोग से इंदौर टॉक की टीम इस वक्त आ चुकी है इस शिप्रा पुल पर। शिप्रा पुल के सफाई अभियान में शुरुआत हमने की है पूजन सामग्री जो यहाँ तितर बितर पड़ी हुई थी। कहते हैं कि जब भगवान की पूजा की जाती है तो सुहागन की सामग्री उन्हें चढ़ती है, इसे चूड़ियाँ होती है, सिंदूर होता है, नारियल चढ़ता है, चुनरी डाली जाती है, भगवान के वस्त्र उन्हें पहनाए जाते हैं। तो टीम ने सबसे पहले ये डिसाइड करा कि जितनी भी पूजन सामग्री है उसको सबसे पहले हम मैनुअली हैंडपिक करें, उससे अलग करें, उसके बाद उस पूरी सफाई अभियान को आगे बढ़ाएं। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं हमें इस कचरे के ढेर में। जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली है हमें। उसके बाद लक्ष्मी जी के कई सारे जो दिवाली पे पूजन करने वाले पाने रहते हैं वो काफ़ी सारे मिले हमें। दिवाली तो चूँकि अभी दूर है, उसके बावजूद हमें लगता है पिछले साल के हैं। फिर मिली हमें करवा चौथ व्रत कथा, करवा चौथ भी अभी काफ़ी दूर है। बालाजी के भजन मिले हैं, हनुमान चालीसा मिली है। फिर किसी ने ये मन से अपने राम 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 तो लिख दिया पर उसका विसर्जन आके यहाँ इस कचरे के ढेर में कर दिया। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप लिखो ही क्यों फिर, अगर आपको उस चीज़ को प्रतिष्ठा के साथ विसर्जन ही नहीं करना है तो ऐसी चीज़ें ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर कई सारी पूजन सामग्री है, ये वो सिंदूर है जो बड़े शौक से माथे पे लगाया होगा 10 दिन लोगों ने और अंत में लाके इसको यहाँ फेंक दिया। फिर ये मराठी महामाना पूजा विधि है, गणेश जी की इवन आरती है, बड़े जोर शोर से 10 दिन आरती तो गाई, अंत में जाके पूजा की जो आरती की किताब है उसका विसर्जन यहाँ कर दिया। और एक चीज़ और मुझे मिली, ये है श्री राम जी का जो कहते हैं स्कार्फ है जो धार्मिक यात्राओं में लोग बड़े चाव से ओढ़ते, बड़े गर्व से ओढ़ते और अंत में उसको ले जाके इस कचरे के ढेर में फेंक देते। तो कुल मिला के ये आप जो देख रहे हैं ये एक तरह से आस्था का ढेर है जो अब कचरे में तब्दील हो चुका है। आस्था तो मेरे हिसाब से इनमें किसी भी लोगों की नहीं रही होगी जिन्होंने भी इसका पूजन किया, क्योंकि अगर आस्था होती तो इस तरह वो इस कचरे के ढेर में इन चीज़ों को ना फेंक कर जाते। हमारे साथ जो सहयोगी के तौर पे जुड़े हैं इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसने जिम्मा उठाया हुआ है इंदौर की सड़कों से लेके इंदौर के एक एक चौराहे को साफ करने का, आज उनकी पूरी टीम हमारा इस अभियान में साथ दे रही है। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गार्बेज पड़ा हुआ है और इंदौर टॉक के माध्यम से जो खबर हमें मिली हम लोगों ने इमीडिएट उस पर एक्शन लिया, क्योंकि इंदौर से सटा हुआ है ये एरिया और जबकि हम लोग इंदौर को पूरा साफ कर रहे हैं और इंदौर के नज़दीक में अगर यहाँ इतना सारा गार्बेज पड़ा हुआ है तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम चलकर अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ मैनुअली क्लीन कराते हैं। तो इस गार्बेज को हम लोग अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट कर रहे हैं, जैसे कि गीला सूखा कचरा, गीले कचरे को हम अपनी टीम के साथ में अलग कर रहे हैं, सूखा कचरा भी हम अलग कर रहे हैं और इस कचरे को ले जाकर हम फिर अपने डिस्पोजल साइट पर डंप कर देंगे। पर हमने साल भर देखा है कहीं ना कहीं ये जो पुल की दयनीय सिचुएशन है साल भर रहती है, ऐसा क्यों है, क्या कमी रह गई है, क्या प्रशासन की है या इसमें पब्लिक भी उतनी जिम्मेदार है? देखिए, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो पहली जिम्मेदारी पब्लिक की है। पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा कि हम अपने धार्मिक त्यौहार मनाते हैं तो उसके पीछे गंदगी ना छोड़े और जिन चीज़ों को हम श्रद्धा के भाव से देखते हैं उनको इस तरह से ना बहाएं कि बाद में जब लोग उसे लोग तो उनको खुद जो है शर्म आने लग जाए। तो पहली तो ड्यूटी पब्लिक की है और सेकंड अथॉरिटी की भी ये कमी है कि जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो इस पुल के लिए जिम्मेदार हैं, यहाँ की सफाई के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी देखना चाहिए कि दो शहरों का एंट्री पॉइंट है, जो इंदौर लोग जाते हैं तो वो कचरा देखते हुए जाते हैं, जो देवास जाते हैं वो कचरा देखते हुए जाते हैं, तो कितना खराब लगता है। जहाँ एक तरफ इंदौर नंबर वन की पोजिशन पर है स्वच्छता अभियान में, लेकिन जब लोग यहाँ से गुजरते होंगे तो उनको क्या संदेश जाता होगा। Thank you.
रहा है। मैं पिछली बार आई थी, गुरुवार हम लोग यहाँ देवास की दरगाह पे आए थे, तो आज काफी सफाई लग रही है, तो देख के अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, अभी जस्ट इसके पहले मैंने वहाँ पे गाड़ी रोकी थी तो वहाँ पे बिल्कुल गंदगी थी, वहाँ से अब मैं यहाँ पे आके रुका हूँ। पहले इतना बेटर नहीं था, हम लोग निकल गए थे, इच्छा भी नहीं रही थी कि यहाँ खड़े रहे, पर अब काफी अच्छा लग रहा है। तो सैलानियों के लिए जरूरी है कि यहाँ पर साफ सफाई बनाए रखे, और हमारे फर्ज बनता है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखें और गंदगी ना फैलाएं। शिप्रा पुल की सफाई के बाद, जबकि अभी मैं बता दूं अभी आधा ही पुल साफ हुआ है, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं सफाई के बाद किस तरीके से एक ये सैलानियों के लिए एक सेल्फी पॉइंट सा बनता नजर आ रहा है। यहाँ पे फैमिलीज जो है, कपल्स जो है, आराम से रुक कर नदी किनारे इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो कितना परिवर्तन हो जाता है जब जगह वही है, स्पॉट वही है, लेकिन इसके पहले की जो दशा थी वो आपने अभी अभी देखी, और अब जो सफाई के बाद ये जो नज़ारा बन गया है, ये वाकई में पूरी टीम की मेहनत। ये सिर्फ एक बार की बात है, आप सोचिए सिर्फ एक बार सफाई हुई है और ये दृश्य, लेकिन वही अगर इस पुल के रेगुलर ध्यान दिया जाए, और लोगों से भी अपील है कि इस पुल को गंदा ना किया जाए, तो ये वाकई में एक ऐसा लैंडमार्क बनेगा जो कि इंदौर से लेके भोपाल तक, मैं बोलूँगा इंदौर से लेके भोपाल तक ऐसा स्पॉट शायद ही सैलानियों को मिलेगा। तो जैसा कि इंदौर आपने देखा, टीम ने, इंदौर टॉक की टीम ने इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट के सहयोग से आज इस पुल, इस शिप्रा पुल को की तस्वीर बदल दी है। अगर आपने पहले जिस हिसाब से देखा था, जो विजुअल से जो गंदगी थी, अभी पूरी तरह साफ और स्वच्छ एक बहुत शानदार पुल बन गया, जो कि कहीं ना कहीं सैलानियों के लिए एक सेल्फी पॉइंट की तरह बन गया है। लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अब इस पुल को इसी हालत में बनाए रखने का, क्योंकि नवरात्रि करीब है, वापस से माता जी को पूजा जाएगा, घर में विराजमान किया जाएगा, और कहीं ना कहीं 9 दिन के बाद जब विसर्जन की बारी आएगी तो कहीं वो दृश्य वापस से ना बन जाए। अब ये नैतिक जिम्मेदारी हम सब की बनती है, तो कृपया करके अपनी भी जिम्मेदारी का वहन करें और इस पुल को साफ और स्वच्छ और इसी हालत में बनाए रखने का संकल्प लें। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके हाथ में ड्रोन है, और ये अक्सर जो इंदौर टॉक की जितनी भी स्टोरीज होती हैं इसमें जो ड्रोन का आप कमाल देखते हैं वो इवॉल्व डेली की टीम का होता है। आप इनके अगर यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे तो आपको इंदौर के ऐसे ऐसे सीनिक ब्यूटी जो इन्होंने ड्रोन से कैप्चर करे वो आप देख सकते हैं।